कैसे हैं दोस्तों। रणबीर कपूर की एनिमल धमाके पे धमाके करते जा रही है, अनस्टॉपेबल ये बॉक्स ऑफिस पर होती जा रही है। एनिमल अपनी पूरी वाइल्डनेस के साथ बॉक्स ऑफिस पे कोहराम मचा रहा है, न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया भर में। तो आखिर क्या हुए संडे के आंकड़े? अगर मैं बताऊं, ये फिल्म की जो ओपनिंग हुई थी वो नेट हुई थी 63 करोड़ 80 लाख पर इसका ओपनिंग हुआ था, जो कि बहुत बड़ी रणबीर कपूर की सबसे बड़ी ओपनिंग है। उसके बाद सैटरडे को 66 करोड़ 27 लाख इसने कमाए थे, उसके बाद संडे को 72 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए हैं। ये अद्भुत फिगर है। अगर हम बात करें तो ये भारत की सबसे ज्यादा रविवार को कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। इसके पहले पठान 166 करोड़ 95 लाख पठान ने कमाए थे, जवान ने 206 करोड़ कमाए थे और एनिमल जवान से थोड़ा सा पीछे रह गई 202 करोड़ पर। यहां पर जवान अपने को एनिमल दिखती है। वर्ल्ड वाइड अगर मैं बात करूं तो 300 करोड़ की कमाई कर चुके हैं, 100 करोड़ की ये बनी फिल्म। इतनी बड़ी फिल्म बन गई है, जो क्रेज हमको देखने मिल रहा है, हम सभी देख रहे हैं कि जिस टिकट्स नहीं मिल रहे हैं वर्ल्ड वाइड, इसका एक कमाल का क्रेज बना हुआ है। हालांकि साउथ में, जैसे मैंने कहा कि तेलुगु में तो अच्छा खासा बिजनेस हो रहा है, लेकिन अभी और प्रमोशन की जरूरत है साउथ मार्केट को अभी और ब्रेक करने के। हालांकि संदीप रेड्डी वांगा जो है वो साउथ के बड़े डायरेक्टर है, लेकिन फिर भी वो साउथ को जिस तरह से अभी हमको क्रेक करना चाहिए बॉलीवुड को, उस तरह से अभी साउथ हुआ नहीं है। क्योंकि तेलुगु के अलावा तमिल और मलयालम में कोई बहुत अच्छा खासा कोई कलेक्शन है नहीं। तो हमको बॉलीवुड को जिस तरह से उन्होंने, साउथ इंडियन इंडस्ट्री ने यहां आकर पेनिट्रेट किया मार्केट को, फोकस किया मार्केट को, हमें भी बॉलीवुड को भी साउथ में थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है, प्रमोशन करने की जरूरत है, मार्केटिंग करने की जरूरत है। क्योंकि अभी हमारे वहां पर स्टार्स डेमीगॉड्स हैं, अभी हमारे स्टार्स वहां पर पहचान बनाने के लिए जूझ रहे हैं। अभी हमारे स्टार्स को वो स्टेटस नहीं हासिल हुआ है साउथ में, जो अल्लू अर्जुन का या रजनीकांत का या कमल हसन साहब का या विजय का, इन लोगों का जो स्टेटस साउथ में है वो अभी हमारे किसी को भी नहीं है, ना शाहरुख को है, ना सलमान को है, ना रणवीर को है, अभी किसी को वो स्टेटस नहीं है। तो वो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगी, थोड़ा वो स्टेटस हासिल करने के लिए मेहनत करना पड़ेगी, लेकिन वो हो जाएगा। खैर, तो अभी रणवीर कपूर की सबसे बड़ी फिल्म, हालांकि जैसे मैं आपको रिव्यू में मैंने बताया कि रणवीर कपूर मुझे वैसे ही बहुत प्यारे हैं और उनकी ये बॉक्स ऑफिस सक्सेस, मैं तहे दिल से बहुत खुश हूं और बहुत मुझे आनंद आ रहा है। लेकिन क्या वजह है कि आप देखिए कि शाहरुख खान की फिल्म जवान हिट हुई, साउथ इंडियन डायरेक्टर, रणवीर की ये फिल्म हिट हुई, संदीप वांगा रेड्डी साउथ के डायरेक्टर। क्या वजह है कि ये इस स्केल की फिल्म सिर्फ साउथ के डायरेक्टर्स बना रहे हैं हमारे साथ? कुछ तो वजह होगी। उस तरह की सफल फिल्म है, इस स्केल की सफल फिल्म है, हम क्यों नहीं बना पा रहे? क्या दर्शक एक अलग तरह का सिनेमा देखना चाह रहा है? एक मास ऑडियंस को जो हम भूल चुके हैं, क्लास क्लास के चक्कर में, मल्टीप्लेक्स ऑडियंस के चक्कर में, हम वो एक आखिरी आदमी को भूल चुके हैं जिसको लास्ट मैन कहते, एक आम आदमी कहते हैं, उसको भूल चुके हैं बनाने में। मैं नहीं कहता कि सिर्फ आप मासेस के लिए फिल्म बनाइए, और मतलब कुछ कैटर ऐसा होता है जो सैफ बहादुर भी देखना चाहता है, वो डियर जिंदगी भी देखना चाहता है शाहरुख खान की, पर कुछ तबका तो ऐसा है जो जवान देखना चाहता है, कुछ तबका है वो डियर जिंदगी भी देखना चाहता है। कैटर आप दोनों को करें, हमारे स्टार्स दोनों फिल्में करें, लेकिन हमारा फोकस किस में, एज एन इंडस्ट्री अगर मैं बात करूं तो हमारा फोकस बड़ी फिल्मों पर होना चाहिए। क्योंकि वैसे ही अब ओटीटी की मार पड़ी हुई है, ओटीटी पे छोटी फिल्में आ ही रही हैं, तो हमारा जो स्केल है वो एनिमल इज अ, मतलब जो मैंने आपको रिव्यू में भी बताया कि इतनी बड़ी फिल्म, इतना ऐसे विजुअल, ऐसा ग्रैंडियर हमने देखा नहीं, तो वो आपको मंत्रमुग्ध करता है। आरआरआर का जब भी मैंने जब रिव्यू किया था तब मैंने आपको बोला था कि वो स्केल, वो ग्रैंडियर, वो आपको बांध के रखता है। फिल्म उतनी शायद लोगों को पसंद ना आए क्वालिटेटिव, लेकिन वो विजुअल्स आपको बांध देते हैं, और फिल्म विजुअल मीडियम है, उसके कंटेंट तो आता ही है साथ में। पर अब हमको ये सोचना होगा बॉलीवुड को कि किस तरह से हमको इस स्केल की फिल्में, इस विजुअल की फिल्में, जो
हमको थोड़ा सा कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, हमारे जो रटे रटाए फॉर्मूलाज हैं, रटी रटाई सर्कल है, हमारे कंफर्ट जोन का सर्कल है, उसको तोड़ के थोड़ा नयापन लाना पड़ेगा, नई बातें करना पड़ेगी। नयापन तभी आएगा जब आप नए लोगों से मिलेंगे, नई टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एक आदमी कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में 8-10 फिल्मों के बाद दोहराव ही करता है, तो उस दोहराव से बचने के लिए आपको लगातार बदलाव बहुत जरूरी है। वो बदलाव हम नहीं कर पा रहे, उस कंटेंट में बदलाव लाने के लिए हमको नए नए टीम को जोड़ना पड़ेगा, नए नए लोगों से मिलना पड़ेगा, नई नई चीजों से हमको रापता होना पड़ेगा। अदरवाइज क्या वजह है कि हमारे यहाँ पर वही शाहरुख खान है, वही रणवीर कपूर है, लेकिन वो बनाते हैं एनिमल, वो बनाते हैं जवान, और हम क्या बना रहे है ना। तो खैर हम फिर एनिमल पे लौटते हैं। रणवीर की फिल्म इतनी बड़ी हिट हुई, बॉबी देओल भी, हालांकि बॉबी देओल के चाहने वाले थोड़े से नाराज है, क्योंकि बॉबी से और ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनका स्क्रीन प्रेजेंस इस फिल्म में थोड़ा कम है, वो थोड़ा और बढ़ जाता तो अच्छा होता, लेकिन कैरेक्टराइजेशन जिस तरह जरूरी था वैसे संदीप ने किया, जिस तरह स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बॉबी ने दिया है उसमें बॉबी के चाहने वालों को खुश होना चाहिए। तो और फिल्म एक अब सुपर डुपर हिट है, उम्मीद करते हैं कि मंडे ऑनवर्ड भी उसी तरह का बिजनेस करेगी, और जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पर चल रहा है 3-4 दिन, मंडे ट्यूसडे, अब वाकई इसका लिटमस टेस्ट शुरू होगा कि किस तरह का बिजनेस इस हफ्ते अब वो करना शुरू करती है।